इमेज का यूआरएल के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इमेज का यूआरएल होता क्या है, कहते किसे हैं और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा, मेरे पास इसकी इमेज है, इसकी मेरे चार इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4। तो मुझे 4 इमेजेस चाहिए इस प्रोडक्ट की। तो अब इसको मुझे डिफरेंट वेबसाइट पे अपलोड करनी है, मैं मान लेता हूँ ईबे पे अपलोड करनी है, स्नैपडील पे, पेटीएम पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, इस इतनी मुझे वेबसाइट पे इसकी इमेज अपलोड करनी है। तो अब एक तरीका ये है, ये जो इमेजेस हैं, चारों इमेजेस हैं, इनको 1 बाय 1 करके मैं ईबे पे अपलोड करूँ, इसी तरीके से स्नैपडील पे 1 बाय 1, इसी तरीके से पेटीएम पे, इसी तरीके से अमेज़ॉन पे और इसी तरीके से फ्लिपकार्ट पे। तो एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका ये है, इसमें मैं एक वेबसाइट पे अपलोड करूँगा ये चारों इमेजेस, जिस वेबसाइट का नाम मैं दे देता हूँ xyz.com। तो इस इमेज को, इमेज नंबर 1 को मैं जैसे ही अपलोड करूँगा इस वेबसाइट पे, तो एक यूआरएल क्रिएट होगा, यूआरएल एड्रेस होता है, उसे वेब एड्रेस भी बोलते हैं। तो वो यूआरएल क्रिएट होगा इस नंबर 1 इमेज का, www.image, सपोज कर रहे हैं हम इसको, ये image1.com। इसी तरीके से दूसरी इमेज का, ये दूसरी वाली इमेज का भी यहीं पे क्रिएट होगा, www.image2.com। इसी तरीके से थर्ड इमेज का .image3.com। इसी तरीके से फोर्थ इमेज का एड्रेस क्रिएट होगा यहाँ पे, URL जिसे बोलेंगे हम, .com। अब ये चार इमेजेस मेरी, मुझे 1, 2, 3, 4, 5 वेबसाइट पे अपलोड करनी है चार इमेजेस, तो मैंने एक ही बार में यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, तो इसका मुझे एड्रेस मिल गया। अब जब मैं ईबे पे जाऊँगा अपलोड करने, तो नंबर 1 की जो इमेज होगी वो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे मैं यहाँ पे ईबे पे अपलोड करूँगा तो मेरी नंबर 1 इमेज अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी इमेज के लिए ये एड्रेस है, तो मैं ईबे पे ये अपलोड करूँगा तो यहाँ से हो जाएगी, यानी कि मुझे इमेज अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक बार इसी वेबसाइट पर कर दी है, सीधे मैं एड्रेस दे दूँगा। इसी तरीके से जब मैं स्नैपडील पे अपलोड करने जाऊँगा, तो इमेज नंबर 1 का एड्रेस मैं ये दूँगा, इमेज नंबर 2 का ये दूँगा, थर्ड का ये, फोर्थ का। इसी तरीके से पेटीएम पे, सेम अमेज़ॉन पे भी इमेज नंबर 1 का एड्रेस ये दूँगा, 2 का ये, 3 का ये, सेम फ्लिपकार्ट पे भी। तो ये तरीका है इसमें एक ही बार में इमेजेस अपलोड करने का, इसमें हमारी लेबर कम लगेगी। यूआरएल का जो बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि आपको इमेजेस एक ही बार अपलोड करनी पड़ रही है और आप मल्टीपल वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं उस वेब एड्रेस के साथ। तो अब देखिए मैं अपना यूआरएल कैसे क्रिएट करता हूँ और उसको कैसे रिकॉर्ड रखता हूँ। अब दूसरा ये है, एक मैंने फोल्डर बनाया है शर्ट्स का, देखिए यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे शर्ट का फोल्डर रखा है। तो इस फोल्डर को सबसे पहले मैं ओपन करूँगा, नेम देखूँगा अपनी शर्ट्स का, मैंने क्या नाम रखा है, तो शर्ट ए, और इसी तरीके से ये आ गई शर्ट बी। तो अब हमने यहाँ पे एक एक्सेल खोली और एक्सेल में हम पहले अपना यहाँ पर इमेज नेम मैंशन कर लेते हैं, इमेज नेम यहाँ पर मैंशन कर लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा URL, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो इमेज नेम सबसे पहले मेरी शर्ट का नाम है A1, तो मैं यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पे दूंगा शर्ट IRT शर्ट्स A1। इसमें मेरी 5 इमेजेस हैं, अब 5 इमेजेस 1, 2, 3, 4, 5, तो मुझे यानी कि इसमें 5 नेम देने पड़ेंगे शर्ट्स के, 1, 2, मैंने ड्रैग डाउन किया तो ये इस तरीके से 5 नेमिंग हो गया। अब 1 बाय 1 मैं इसको कैसे अपलोड करता हूँ वो देखिए। तो मैं यहाँ पे हैं डिफरेंट वेबसाइट भी ओपन करने, ये अपलोड करने, यूआरएल क्रिएट करने के लिए, लेकिन imgur.com जो है सबसे बेस्ट है, इसमें इजीली जो होता है अपलोड हो जाता है। यहाँ पे मैं न्यू पोस्ट में गया, ब्राउज़र फीचर, जो मेरा शर्ट्स है वो मैंने यहाँ से ली, फर्स्ट इमेज मेरी ये है, तो ये देखिए इसका ये जो है एड्रेस ये आ गया। तो यहाँ पे ये नीचे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे URL पे फर्स्ट का पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से सेकंड इमेज लूँगा शर्ट 1 की,
ये हो गई सेकंड इमेज, ओपन किया तो देखिए इसका भी ऊपर क्रिएट होना शुरू हो गया और ये हो गया इमेज। ये कॉपी किया मैंने, एक्सेल में गया, सेकंड इमेज है मेरी तो शर्ट एक ही, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। इसी तरीके से थर्ड की और इसी तरीके से फोर्थ की। तो ये होने के बाद ये एक एड्रेस मिल गया मुझे और मैं जाके डिफरेंट वेबसाइट पे इस एड्रेस के साथ मैं अपने प्रोडक्ट अपलोड कर दूँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं, ये जो मैंने एड्रेस क्रिएट करा है तो मैं इन एड्रेस को पहले कॉपी करता हूँ और गूगल में जाके एक बार इसको एड्रेस को पेस्ट करके और एंटर करता हूँ, क्या ये ओपन करेगा। देखिए वही इमेज इन्होंने ली है जिस इमेज को मैंने अपलोड किया है और सेम इमेज वहाँ पर आई है। इट मीन्स आपको एक ही बार क्रिएट करना है, एक बार यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है और डिफरेंट वेबसाइट पे आप इसको जो है अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो इमग्योर का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आप कोई अकाउंट क्रिएट करना नहीं पड़ता और डायरेक्टली आप जो है जाके इसमें इमेज अपलोड कर सकते हैं और URL वहाँ से कॉपी करके इसी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो भवनीत जी आपका क्वेश्चन था कि बल्क में तो अपलोड नहीं होता है इमग्योर पे। अब बात करता हूँ मैं फ़ोटो बकेट की, तो देखिए फ़ोटो बकेट में होता है बल्क में अपलोड, लेकिन उसका क्या ड्रॉबैक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे फ़ोटो बकेट में सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, photobucket.com इसको एंटर करेंगे तो इस तरीके से पेज खुला आपका और आप जैसे ही अपलोड के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा अकाउंट के लिए, अगर अकाउंट क्रिएट होगा तो वो ऑलरेडी मींस पूछेगा नहीं, वरना मैंने एक क्रिएट कर रखा है तो इस बारे में मुझसे उन्होंने पूछा नहीं है। तो मैं यहाँ से चूज़ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, तो देखिए मैं इसको बल्क में लेता हूँ Ctrl+Alt और इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो सारी इमेजेस ये देखिए लेना शुरू कर दिए हैं। अब ये इमेजेस ली इन्होंने, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे व्यू लाइब्रेरी में, तो व्यू लाइब्रेरी में जैसे ही क्लिक करा मैंने तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से ओपन हो रहा है। ये देखिए ये सारी इमेजेस आ गई हैं जो मैंने कॉपी करी थी वहाँ से, सारी की सारी इमेजेस आ गई हैं। लेकिन देखिए मैंने फर्स्ट ली थी, मैंने अपनी फ़र्स्ट मेरी जो शर्ट थी वो ये थी, इसकी इमेजेस आनी चाहिए थी लाइन बारी से, लेकिन यहाँ पे जो है सेकंड शर्ट की इमेजेस आ गई हैं। तो इसमें जो इमेजेस अपलोड हुई हैं वो सीक्वेंस के साथ नहीं हुई हैं, जिस तरीके से मैंने नेमिंग करी थी उस तरीके से नहीं हुई हैं और ऊपर नीचे हुई हैं। तो यहाँ पे भी मुझे इमेजेस अपलोड तो हो गई हैं मेरी एक ही बार में यहाँ पे, लेकिन जो URL मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा 1x1 करके देखना पड़ेगा और उसी तरीके से फिर मुझे एक्सेल में पेस्ट करना पड़ेगा और तभी जाके ये जो है आगे मीन्स होगा। भवनी जी मैं ये कहूँगा कि आप इमग्योर यूज़ करें, और क्योंकि इसमें इमग्योर में कोई अकाउंट क्रिएट करने का नहीं है सिस्टम, सीधे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं इमेज और URL क्रिएट कर सकते हैं।